प्रारंभ से ही अनेकों ऐसे महापुरुष हुए जिनके ज्ञान व बुद्धि चातुरी से ही संपूर्ण विश्व चमत्कृत रहा है। तीर्थंकर महापुरुष तो रहे ही हैं, उनकी परंपरा का अनुपालन करने वाले आचार्य कुंद कुंद स्वामी, समंत भद्र आदि आचार्य भी हुए हैं। वर्तमान समय में जैसे वैज्ञानिकों में न्यूटन, आइंस्टीन, शेक्सपियर आदि लोगों का नाम चमत्कृत बुद्धि के साथ असाधारण प्रतिभा को दर्शाता है। कई वक्ताओं को आपने देखा होगा अपने प्रवचनों के बीच में कभी आइंस्टीन की कोई पंक्ति बोलते हैं, कभी शेक्सपियर की कोई पंक्ति बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई ना कोई बात उनके अंदर विशेष रही जिनके उदाहरण को हम अपने शोध आलेख में या प्रवचन में, वक्तव्य में, भाषण में लेकर के और उस बात को सिद्ध करना चाहते हैं। तो इनकी चमत्कृत बुद्धि, प्रतिभा संपन्न बुद्धि जो है उसके अनुसार हमारे अनेक आचार्य आदि भी हुए जिनकी ज्ञान प्रतिभा से हमें अनेक शास्त्र प्राप्त हुए हैं। उनकी असाधारण बुद्धि प्रतिभा उनको कैसे उपलब्ध हुई इस बारे में भी अगर हम धर्म के पक्ष से और विज्ञान के पक्ष से दोनों से सिद्ध करें तो एक चीज मुझे बहुत सुंदर पढ़ने में आई को देखने के लिए तो हमें प्रकृति के द्वारा दो आंखें प्राप्त हुई लेकिन हमारे पास इन दो आंखों के अलावा एक तीसरी आंख भी है जिसका नाम वैज्ञानिकों ने पिनियल ग्रंथि दिया है। क्यों अनुपम जी, आपने आलेख प्रकाशित किया है, बहुत सुंदर लगा। डॉक्टर लक्ष्मी चंद जैन जबलपुर वालों ने बड़े धर्म और विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में शोधात्मक लेख प्रस्तुत किया और हम सबके शरीर के अंदर जो ग्लैंड के रूप में, ग्रंथि के रूप में है पीनियल ग्रंथि, जिसे थर्ड आई भी कहा, तीसरी आंख भी कहा है। और वह तीसरी आंख क्या करती है, हमें आध्यात्मिक बोध कराती है, आत्मा का ज्ञान कराती है, आंतरिक अवलोकन कराती है। आज भी हमारे और आपके पास वह तीसरा नेत्र विद्यमान है जो हमारे मस्तिष्क में एक ग्रंथि के रूप में कार्यरत रहता है। इस ग्रंथि को नोट कर लीजिएगा, पिनियल ग्रंथि कहा गया है। और इसे तीसरी आंख का नाम क्यों दिया गया, इसकी बनावट, कार्यशैली और इसमें से निकलने वाले हार्मोन जिसे मेलाटोनिन हार्मोन कहा है उसके बारे में बताया है विज्ञान ने। शरीर विज्ञान की बात को जब आप गूगल में भी सर्च करेंगे तो पूरा शरीर का ढांचा और ये पिट्यूटरी कहाँ है, पिनियल कहाँ है, शरीर के सात चक्र किस तरह से हमारे शरीर में विद्यमान है, उन सब को प्रदर्शित करता है। यह आपको सामने दिखाया जा रहा है, स्क्रीन पर आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा। तो वर्तमान की साइंस में पहले इसकी उपलब्धि इतनी नहीं बन पाई थी लेकिन सन 1917 से, सुरेश जरा स्क्रीन पर भी दिखाना, स्क्रीन पर वर्तमान की साइंस के अनुसार इस ग्रंथि को प्रदर्शित किया गया कि साइंस में सन 1917 से इस ग्रंथि पर वैज्ञानिकों ने शोध किया। ये ज्ञान से ही रिलेटेड है, अंग और पूर्वों का ज्ञान कैसे प्रकट होता है। तो हमारे आचार्य जो मानते हैं ज्ञानावरण कर्म का जितना जितना क्षयोपशम होगा उतना उतना ज्ञान प्रकट होगा, और विज्ञान क्या मानता है कि हमारे अंदर करोड़ों, शरीर के अंदर करोड़ों की संख्या में कोशिकाएं हैं और सब कोशिकाएं अपना अपना काम करती हैं, उन्हीं में से जब पीनियल ग्लैंड है उस पर शोध हुआ तो ग्रीस के वैज्ञानिक डेस्कार्टिस ने इस ग्रंथि का नाम दिया एक आत्मा का मुख्य स्थान अर्थात प्रिंसिपल सीट ऑफ सोल,
प्रिंसिपल सीट ऑफ सोल, यानी आत्मा का एक प्रमुख स्थान, इसको नाम दिया। और ये कहाँ रहता है आप जानिएगा, हमारी जो दोनों आँख हैं, आँख के बीचों बीच में जहाँ पर महिलाएं बिंदी लगाती हैं, यहाँ पर एक क्या होता है, उसको नाम दिया है पिट्यूटरी ग्रंथि। और इसके ठीक पीछे, पिट्यूटरी ग्रंथि के ठीक पीछे दोनों आँखों के थोड़ा सा ऊपर में पीनियल ग्लैंड होता है। मैंने तो इसको क्या किया, पढ़ा, बहुत अच्छा लगा, तो कविता के रूप में भी इसको उपस्थित किया। आपको भी पसंद आए तो उसको नोट कर लेना, और जल्दी से, क्योंकि लेख पढ़ना, फिर कभी खो गया तो उसको कहाँ से देखें। एक कविता के अंदर मैंने इसको प्रस्तुत किया। हे भव्यात्मन तुम हृदय महल में ज्ञान की ज्योति जला लेना, अज्ञान अंधेरे को अपने मन से तुम शीघ्र भगा देना। सबको इच्छा होती है हम भी ज्ञानमती माता जी जैसा ज्ञान प्राप्त करें, और हमारा हृदय एक महल है, उसके अंदर ज्ञान की ज्योति को जलाना है, अज्ञान के तिमिर को भगाना है। मानव शरीर की दो आंखें संसार की चीजें देख रही, मानव शरीर की दो आंखें संसार की चीजें देख रही, लेकिन एक आंख और भी है जिससे दुनिया अनभिज्ञ रही। हम सब अनभिज्ञ ही तो हैं, जब विज्ञान की बातों को पढ़ते हैं तो इन चीजों का ज्ञान प्राप्त होता है। साइंस की इस पिनियल ग्रंथि को नेत्र तृतीय समझ लेना, साइंस की इस पिनियल ग्रंथि को नेत्र तृतीय बना लेना। हे भव्यात्मन तुम हृदय महल में ज्ञान की ज्योति जला लेना। अब ये ग्रंथि आपको अपने अंदर भी पहचान लेना है। यह ग्रंथि मटर दाने के सदृश, बहुत बड़ी ग्रंथि नहीं है, मटर के दाने जैसी है, और इसका आकार कैसा है। यह ग्रंथि मटर दाने के सदृश आकार शंकु सम है इसका, शंकु के समान इसका आकार है। पिट्यूटरी ग्रंथि के पीछे कुछ ऊपर स्थान बना इसका, दोनों आंखों के, आँख कहाँ है आपकी, अपनी अपनी आँखें देखिए अपनी, दोनों आँखों के बीचों बीच ये, दोनों आँखों के बीचों बीच पीछे यह नेत्र समझ लेना। पीछे है यह ग्रंथि आपकी, पीछे है, कहते हैं ना अगर पीछे भी एक आँख होती तो चलते चलते भी व्यक्ति पढ़ता ही रहता, सब कुछ पीछे का भी दिखता रहता है, वह पीछे नेत्र है जिसे पिनियल ग्रंथि कहते हैं। और वहां से जब हार्मोन्स का स्राव होता है तो मेलाटोनिन नाम का हार्मोन स्राव होता है, पीछे पीछे की बातें याद आ जाती हैं, कहेंगे हम बचपन में हमने ऐसी चीज पढ़ी थी, बचपन में आपको देखा था। ये क्या है, साइंस क्षयोपशम ये सब कुछ नहीं मानता, विज्ञान तो ये मानता है कि आपके अंदर ही जो ग्रंथि थी, जो छिपी पड़ी थी, जिसके ऊपर आवरण था, उस फाइल को जब खोला गया तो मेलाटोनिन जो हार्मोन है उसका स्राव हुआ, तो उससे सारी चीजें याद आने लगेगी। हे भव्यात्मन तुम हृदय महल में ज्ञान की ज्योति जला लेना, अज्ञान अंधेरे को अपने मन से तुम शीघ्र भगा देना। आई ऑफ नॉलेज यह ज्ञान चक्षु, इसको क्या कहा है, आई ऑफ नॉलेज, ये तो संसार की चीजें देखने के लिए, शास्त्रों को पढ़ने के लिए दो आंखें हैं। आई ऑफ नॉलेज यह ज्ञान चक्षु जब क्रियाशील हो जाती है, तब ब्रह्मांडीय तरंगे कॉस्मिक रेज रूप आ जाती हैं, कॉस्मिक रेज निकलती हैं। अभी 2 साल पहले यह पेंटिंग लगाई गई, उसके कुछ चित्र यहाँ भी हैं, तो इसमें बनाने वाले पेंटर ने कहा
कि इसमें कॉस्मिक रेज मिलेंगी, यानी जब हम इनको देखेंगे और हमारी इस पिट्यूटरी ग्रंथि के पीछे जो पीनियल ग्रंथि है उसको देखते समय जागृत करेंगे तो इसके अंदर से एक रेज निकलती हुई नजर आएगी जिसे कहते हैं कॉस्मिक रेज। तो ये अपनी अपनी एक प्रक्रिया है। ये तब ब्रह्मांडीय तरंगे कॉस्मिक रेज रूप आ जाती हैं, एकाग्र ध्यान तप आदि से, एकाग्र ध्यान तप आदि से बुद्धि विलक्षण अपनी बना लेना। हे भव्यात्मन तुम हृदय महल में ज्ञान की ज्योति जला लेना। साधारण रूप से यह ग्रंथि प्रकट नहीं होती है, जब आप ध्यान में लीन होंगे, बहुत अच्छे से ज्ञान प्राप्त कर रहे होंगे। एक सज्जन ने लिखा कि जब हम नमोकार मंत्र लिखते हैं तो नमोकार मंत्र लिखते लिखते मेरी चारों ओर एक सफेद ऑरा बन जाता है। तो ये ऑरा क्या है? आपने अपने ध्यान को नमोकार मंत्र लिखते हुए जो केंद्रित किया, तो हो सकता है उनमें से कुछ लोगों की ये पिनियल ग्रंथि खुलती हो और उससे मेलाटोनिन हार्मोन उसका स्राव होता होगा और तब उनका अंदर का ऑरा जो है बाहर आ जाता है। तो ध्यान तप आदि के द्वारा जो हमारे संतों ने विशेष ज्ञान प्राप्त किया, आप गणधर जी को क्या है, दीक्षा लेते ही मना पर ये ज्ञान प्रकट हो जाता है। तो ज्ञानावरण कर्म का इधर क्षयोपशम हुआ और उनकी महावीर के प्रति या अपने गुरु तीर्थंकर के प्रति जो एकदम समर्पित भावना व्यक्त हुई, तो शरीर विज्ञान के अनुसार उनकी सारी ग्रंथियां एकदम खुल जाती हैं और हार्मोन का स्राव होता है, तब उनका बाह्य और अंतरंग दोनों ही ज्ञान प्रकट होने लगता है। वैज्ञानिक शोध तृतीय नेत्र संग कर्म सिद्धांत भी मान रहे। अगर केवल वैज्ञानिक शोध ने केवल विज्ञान को माना होता तो हम इतना उसको प्रमुखता नहीं दे सकते थे, लेकिन हमारे जैन डॉक्टर प्रोफेसर वैज्ञानिकों ने यदि शोध किया तो उसको कर्म सिद्धांत से बराबर जोड़ दिया, इसलिए वह हमारे लिए प्रेरणादायी बन गया। वैज्ञानिक शोध तृतीय नेत्र संग कर्म सिद्धांत भी मान रहे। मेलाटोनिन हार्मोन्स स्राव इस ग्रंथि की पहचान ही है। इस ग्रंथि की पहचान क्या है? क्या से मेलाटोनिन नाम का स्राव होता है। और ये भी कहा है कि ये ग्रंथि जो है बच्चों में ज्यादा बड़ी होती है और जितना जितना युवा और वृद्ध होते जाते हैं यह ग्रंथि सुकड़ती जाती। मैंने बड़ा चिंतन किया कि बड़े होने पर तो ज्ञान ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन ये किन्हीं किन्हीं का, यानी बच्चों को कोई भी चीज एक बार देखते हैं तो याद हो जाती है, आप देखते हैं, और बड़े होने पर कहते हैं भूल गए। क्यों भूल गए? आपकी वो ग्रंथि सुकड़ने लग गई। लेकिन मुझे लगता है ज्ञानमती माता जी के अंदर, क्योंकि आज 84 साल में से अगर 4 निकाल दो तो 8 साल, तो इनकी ग्रंथि तो वो बराबर बड़ी बनी हुई है। तो ये ग्रंथि विज्ञान के अनुसार जैसे जैसे बड़े होते हैं जो स्मरण शक्ति क्षीण होने लगती है, इसका मतलब वो पीनियल ग्रंथि सिकुड़ती है। तो मेलाटोनिन हार्मोन्स स्राव इस ग्रंथि की पहचान ही है। चंदनामती धार्मिक वैज्ञानिक शोध का लाभ उठा लेना। हे भव्यात्मन निज हृदय महल में ज्ञान की ज्योति जला लेना। अब मैं इसको मैंने इसलिए जोड़ा कि 10वां हमारा जो विद्यानुवाद पूर्व है, इस विद्यानुवाद पूर्व के अंदर ऐसी तमाम चमत्कृत बातें हैं जिनको पढ़ करके कभी कभी महामुनि भी अपने पद से चित हो जाते हैं। तो इस विद्या को पढ़ने के बाद जो अपने में स्थिर रहते हैं उनको तो कहा गया अभिन्न 10 पूर्वी। अभी मैं महाबंध ग्रंथ का जो स्वाध्याय कर रही थी तो उसके अंदर नमो 10 पुमीणम, नमो 14 पुमीणम आदि बात आई, तो
इस बात को मैं आगे और लूंगी कि जब वो भ्रष्ट हो जाते हैं, पद से च्युत हो जाते हैं, तो उनको तो भिन्न दस पूर्वी कहा, और जो अपने में स्थिर रहते हैं उनको अभिन्न दस पूर्वी कहा है। तो इस विद्यानुवाद पूर्व का कभी कोई दुरुपयोग ना करें, और अगर आज लघु विद्यानुवाद नाम से जो ग्रंथ भी प्रकाशित हुआ है उसको पढ़ करके, वैसे तो माता जी कहती हैं मंत्र शास्त्र को कभी प्रकाशित नहीं करना चाहिए, उसे गुप्त रखना चाहिए, लेकिन जो प्रकाशित भी हुआ है तो कभी भी उसको पढ़ करके दुरुपयोग नहीं करें और उसके अंश ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयत्न करें। यही इन पूर्वों को पढ़ने